नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने आर चैनल पर हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी समास। समास में हमने अव्ययीभाव समास की बात कर ली है और आज हम बात करेंगे क्रमधारय समास की। दोस्तों, क्रमधारय समास वैसे तो क्रमधारय और द्विगु दोनों ही तत्पुरुष समास के अंदर आ जाता है, लेकिन हम इनको हमारी परीक्षाओं में अलग तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, पीछे हमने आराम से पूरे क्रम से हिंदी व्याकरण आराम से चला रहे हैं। आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी होती है, बहुत से सवाल आते हैं कि हमें पीछे के वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप हमारे जो होम पेज आते हैं चैनल पर, नीचे जो नाम दिया हुआ है अपनी कलम अपनी आवाज़, उस पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारा चैनल खुल जाएगा। वहाँ पर साइड में एक आता है होम, फिर आता है वीडियो और उसके बाद आता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, उसमें आपको हिंदी व्याकरण की वो जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। उसी के साथ रीट एग्जाम गाइडेंस, वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से आप देख सकते हैं कि रीट की तैयारी कैसे करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, और साथ ही हमने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अनेक पीडीएफ मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू कर रहे हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास पढ़ने से पहले हम शुरू करेंगे विशेषण से। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? विशेषण से क्रमधारय समास पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों क्रमधारय समास क्या है? जहाँ पर जिस समास में विशेषण और विशेष्य उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? क्रमधारय समास। तो हम से विशेषण देखते हैं। विशेषण के हमने भेद पढ़े थे, कितने भेद होते हैं? पाँच भेद पढ़े थे। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, पहला कौन सा था? गुणवाचक। दूसरा था संख्यावाचक। तीसरा था परिमाणवाचक। और चौथा था संकेतवाचक। और अंतिम पांचवा व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये भेद हमने पढ़े थे। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं क्रमधारय समास की, आराम से समझ लेना, कहीं पर भी गलती नहीं होगी आपसे फिर। ठीक है, क्रमधारय समास में एक होता है द्विगु और एक होता है क्रमधारय समास। द्विगु में जहां पर संख्यावाची विशेषण हो, वहां पर होता है द्विगु समास। जहां पर जैसे चौराहा, तो चार रास्तों का जो समूह है वो चौराहा द्विगु। जहां पर संख्या दी होती है, वहां पर होता है द्विगु। यहाँ पे देखिए संख्या कितने में है? एक में नाम दिया हुआ है संख्यावाचक। ठीक है, तो जहां पर संख्यावाचक को छोड़कर जितने भी क्रमधारय समास कहां होता है? विशेषण प्लस संज्ञा, वही क्या है? क्रमधारय समास। अब विशेषण कौन सा? एक तो हो सकता है गुणवाचक विशेषण हो सकता है, कोई सा भी। परिमाणवाचक विशेषण हो सकता है, संकेतवाचक विशेषण हो सकता है, और व्यक्तिवाचक विशेषण हो सकता है। यदि संख्यावाचक विशेषण आ जाए तो हमें कौन सा करना है? द्विगु समास करना है। तो दोस्तों, क्रमधारय समास की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है कि जहां पर या जिस समास में विशेषण और विशेष्य होता है, वहां पर होता है क्रमधारय समास, या जहां पर उपमान और उपमेय होते हैं, वहां पर भी क्रमधारय समास होता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या है वो भी देख लीजिए। जैसे बात करते हैं काला घोड़ा, शब्द क्या है? काला घोड़ा। यहां पर विशेषण किसे कहते हैं? जिससे विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे यहां पर काला है, वो तो क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और जो घोड़ा है, घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, उसी प्रकार उपमान और उपमेय क्या होता है? जैसे एक की उपमा दूसरे को दी जाती है, जैसे बात कर लेते हैं चंद्रमुखी। ठीक है, क्या है? चंद्रमुखी। यहां पर मुख की तुलना किसे कर रहे हैं? चंद्र की। तो चंद्र तो यहां पर है उपमान। क्या है? उपमान। और जो मुख है वो क्या है? उपमेय। क्या है? उपमेय। तो ये होते हैं विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। तो अब ये तो थे क्रमधारय समास कहां होता है, जहां पर विशेषण और विशेष्य, आराम से पता चल जाएगा परीक्षा में आए, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आराम से आप ज्यादा उदाहरण देखिए, उदाहरण देखने से आराम से आपको सरल लगने लगेगा। तो हम बात कर लेते हैं अब उदाहरणों के माध्यम से समझने की। जैसे बात कर लेते हैं हमने काला घोड़ा, वही बात हमने पहले की है। समास विग्रह करते समय जो शब्द उस समास शब्द में दिए हुए होते हैं, ठीक है, समस्त पद में दिए हुए होते हैं, वही शब्द लिखने हैं, उसके पर्यायवाची नहीं लिखने हैं। जैसे यहां पर आ गया काला घोड़ा, तो काला है जो घोड़ा, इसी प्रकार लिखना है। इसे नहीं लिख सकते काला है जो अश्व है, नहीं।
ठीक है, जो शब्द दिए होते हैं वही लिखना है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके मुख्य उदाहरण की। दोस्तों सीमित उदाहरणों के माध्यम से हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरणों की लिस्ट आपको अनेक वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है, अनेक किताबों में मिल जाएगी, आप वहाँ से देखिए। आपके पास जो भी किताबें हैं उनमें से आप उदाहरण ज़्यादा से देखिए। यहाँ पर कम उदाहरणों के माध्यम से आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश की जा रही है। आप इस वीडियो को देख करके वापस देख लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये अगर आराम से समझ लिया तो आप कभी भी विशेषण जो क्रमधारय समास है वो नहीं भूलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं उदाहरणों की। तो दोस्तों अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देख लेते हैं क्रमधारय समास, जिसका समास विग्रह किस प्रकार किया जाता है और सामासिक पद किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शब्द है मंद बुद्धि। क्या शब्द है? मंद बुद्धि। तो इसका समास विग्रह अगर पूछे तो दोस्तों मैंने बता दिया है शब्द वही रखना है, उसके पर्यायवाची काम में नहीं लेने हैं, वरना आपका सवाल गलत हो सकता है। ऑप्शन में आपको उसके पर्यायवाची भी जो है वो मिल जाएंगे, आप देखते ही उसे टिक लगा देंगे, लेकिन नहीं, आपको क्या करना है जो शब्द इसमें दिया हो वही लिखना है, ठीक है। मंद बुद्धि, तो मंद है जिसकी बुद्धि, ठीक है, वो हो गया मंद बुद्धि। रक्त अंबुज, क्या है? रक्त अंबुज, रक्त प्लस अंबुज दीर्घ संधि। यहाँ पे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर रक्त का मतलब लाल, अंबुज का मतलब कमल, लेकिन आपको समास विग्रह क्या करना है? रक्त है जो अंबुज, रक्त है जो अंबुज, इसी प्रकार से करना है। शुभागमन, इसका होगा शुभ है जो आगमन या शुभ है जिसका आना, आगमन ही लिखना है आपको, तो शुभ आगमन, शुभ है जिसका आना या शुभ है जो आगमन। हताश, इसका संधि विच्छेद करें तो होता है हत प्लस आस, तो हत है जिसकी आशा, हत यानी मरी हुई, मरी हुई जो आशा है उसे कहते हैं हताश, जिसकी आशा मर चुकी है वो होता है हताश। तो इसका समास विग्रह पूछे तो क्या करना है? हत है जिसकी आशा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, लाल मिर्च। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, का पुरुष। इसी प्रकार कायर है जो पुरुष ये भी आ सकता है परीक्षा में, तो उसका अगर आप सामासिक पद पूछे तो क्या हो जाएगा? का पुरुष हो जाएगा। अधमरा, आधा है जो मरा, क्या हो जाएगा? अधमरा। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला उसे कहते हैं उड़न खटोला। पाषाण हृदय, पाषाण हृदय, यहाँ पर देखिए पाषाण और हृदय, पाषाण के समान हृदय है जिसका वो होता है पाषाण हृदय। हृदय का हृदय लिखना है ये नहीं लिखना है, पाषाण का पत्थर नहीं लिखना है, पाषाण का पाषाण ही रहना है, ठीक है। नरसिंह, जो नर है, जो सिंह है उसे कहते हैं नरसिंह, क्रमधारय समास। चरण कमल, कमल रूपी चरण, ये जो आते हैं चरण कमल, वचनामृत, ठीक है, संसार सागर, उनको आपको क्या करना है? जो बाद वाला शब्द है वो आगे लिखना है और बीच में रूपी लगा देना है, जिसे आगे चरण कमल, तो कमल रूपी चरण। चरण की तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से, तो हो जाएगा कमल रूपी चरण। नवयुग, नव है जो युवक, नवयुवक। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली मीनाक्षी। लघु है जो उत्तर, लघुत्तर। कौन सा समास, कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पर? दीर्घ संधि, समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ संधि। लघु धन उत्तर, लघुत्तर, बड़ा हो गया यहाँ पर, तो लघु है जो उत्तर, लघुत्तर। भ्रष्ट है जो आचार या भ्रष्ट है जो आचरण, तो क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार। क्रोधाग्नि, ये भी याद रखना है, अग्नि रूपी क्रोध या अग्नि के समान क्रोध है जिसका क्रोधाग्नि। अधपका, अध है जो पका, अधपका, ठीक है। दंत मुक्ता, मुक्तों के समान दंत हैं जिसके, या मोतियों के समान दांत है जिसके, तो आपको लिखना क्या है? मुक्तों के, मुक्ता, मुक्तक समान, मुक्ता के समान दंत वाला, या मुक्ता के समान दंत है जो, दंत मुक्ता। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल सकता है, यहाँ पे सीधा भी आ सकता है मोतियों के समान दांत वाला, ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। अगर ये नहीं हो तो आपको पर्यायवाची करना है यहाँ पर, ये याद रखना है। वचनामृत, तो अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन यहाँ पर उल्टा लिख देना है, रूपी बीच में लगा देना है। प्राणप्रिय, प्राणों के समान जो प्रिय है, प्राणप्रिय। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन, सुलोचना। कोमलांगी, कोमल है जिसके अंग, कोमल अंगों वाली कोमलांगी। खुशबू, खुश है जो बू, बू का मतलब होता है गंध, क्या होता है? इसको हम गंध के आगे सु लगा देते हैं सुगंध, दू लगा देते हैं दूर, लगा देते हैं दुर्गंध, ठीक है। तो खुश यानी अच्छी, अच्छी है जो सुगंध, अच्छी है जो गंध, सुगंध। तो यहाँ पे आपको अगर पूछे, क्या पूछे? समास विग्रह, तो क्या करना है? खुश है जो बू, खुशबू। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ थोड़े से उदाहरण बताइए आपको, किताबों में आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जो 9 से 12 की जो हिंदी ग्रामर चलती है
वो आपको लानी है और आपको वहाँ से उदाहरण पूरे मिलाने हैं, पूरे उदाहरण देखने हैं, उसको उल्टा पढ़ना है और सुलटा पढ़ना है। कैसे? समास विग्रह भी पढ़ना है और समासिक पद। एक बार समासिक पद पढ़ के समास विग्रह पढ़ा और दोबारा समास विग्रह पढ़ के समासिक पद पढ़ने हैं। इस प्रकार से आपने दो बार पढ़ना है। आराम से दो बार पढ़ लिए तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। दोस्तों ये थी विशेषण से, हमने विशेषण से पढ़ा है क्रमधारय। विशेषण के पांच भेद थे, उनमें से संख्यावाची अगर हो तो क्या हो जाएगा? द्विगु। उसकी चर्चा करेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।